इंडियन एक्सपर्ट्स दुबई में मुकीम इंडियंस ने 21 अगस्त 2022 को दुबई में फैशन फेस्टा इंडिया दुबई क्वीन सीजन 2 की कामयाबी से मेज़बानी की। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत मेहमान खसूसी में से एक रोहित राय थे। सामईन ने उनके साथ बातचीत करते हुए खुशगवार वक्त गुजारा। खवातीन और बच्चों के साथ कैटवॉक के 4 राउंड्स थे, जिनमें मारूफ डिज़ाइनर और ज्वेलरी पार्टनर्स के जेवरात और कपड़ों के मुख्तलिफ मजमूए दिखाए गए थे। मुकाबला करने वाले 19 में से 11 को फाइनल राउंड के लिए फाइनलिस्ट के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया। इंडिया दुबई क्वीन का टाइटल मोहतरमा केवल जी संधू ने जीता था। इस तकरीब में स्पॉन्सर्स और को स्पॉन्सर्स समेत दीगर इन्वाइट थे, जिन्होंने खुद फाउंडर मोहतरमा अनूल मोंद्रा की तरफ से अपने गैर मामूली काम के लिए पहचान हासिल की। फाउंडर अनूल मोंद्रा कहती हैं कि आईईडी टीम की शानदार रैंप वॉक को ना भूलें। जिस तरह से इवेंट का नतीजा निकला, इससे मैं बहुत खुश हूं। मैं फ़ख्र से कह सकती हूं कि ये सीज़न 1 से एक लेवल ऊपर था। ये यकीनी तौर पर एक टीम की कोशिश थी, इसीलिए मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसने इज्तमाही तौर पर ऐसा करने के लिए ताउन किया। ये एक तफरीही तकरीब थी, जिसमें जमा होने वाले मुख्तलिफ लोगों की सलाहियतों का जश्न मनाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अंसरकम न्यूज़ टाइम दुबई यूई। इस वक्त मेरे साथ अनूल मोंद्रा है और ये इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं। इस वक्त इंडियन एक्सपर्ट दुबई में जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फैशन फेस्टा जो इवेंट करवाता है। आइन से बात करते हैं कि इस फैशन इवेंट में क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, किस तरह से ये जो है वो कैंडिडेट इकट्ठे करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अनूल, मुझे ये बताएं कि सीजन आपका, पहले भी मैंने कवर किया और हमेशा हम लोग काम इकट्ठे करते हैं, अब आपका ये सीजन 2 है 3 है, लोगों को पता चलना चाहिए, प्लीज बताएं। ये आईडी फैशन फेस्टा इंडिया दुबई क्वीन सीजन 2 है। सीजन 1 किया था हमने लास्ट ईयर एंड इस बार और भी बेहतर है, और भी बढ़िया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जी टी वी, खलीज, आप, न्यूज़ टाइम और कितने सारे पार्टनर्स, गिव अवे स्पॉन्सर्स, उन सबको तहे दिल से थैंक यू बोलूंगी, जिन्होंने हेल्प किया इस इवेंट को सक्सेस बनाने में। मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ज्यूरी इकट्ठी करनी पड़ती है, जो मॉडल्स हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत एक काम है, तो किस तरह से आप इतनी मेहनत करती हैं और इतना कामयाब जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेती हैं? देखिए, जब किसी चीज़ का पैशन होता है तो वो अपने आप हो जाता है। एक जुनून होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक बस मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंट रहें तो सब होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज अगर मैं यहाँ लूँ तो इंडियन एक्सपर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो औरतें जिनके जो हाउस वाइफ भी होती हैं और जॉब पर्सन होती हैं, वो काम इस तरह से ग्लैमर में नहीं आती, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट का ये थोड़ा सा मैसेज न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स के लिए दें प्लीज़। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हम एज वुमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं एंड हम अपनी लाइफ को एक तरफ अलग अलग हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। हस्बैंड्स है, किड्स है, जॉब है, इतना कुछ करना पड़ता है, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। डोंट फॉरगेट दैट वी नीड टू एम्पावर ईच अदर एज वुमेन्स एंड वी शुड बी सपोर्टिंग ईच अदर, तो अपने ड्रीम को ना भूलें, बाकी सब करने में, बस एक यही मैसेज है। आप हमेशा बॉलीवुड के साथ बड़ा टच रहती हैं, आज आपने जो अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं वो रोहित हैं, और क्या कहना चाहती हैं बॉलीवुड के बारे में और आपके जो उनके साथ कनेक्शन है? मैं बस रोहित बोस रॉय सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द इनवाइट टू जॉइन द इवेंट, सो थैंक यू वेरी वेरी मच रोहित बोस रॉय सर, आपके आने से 4 चांद लग गए और बस इसी तरह सिलसिला बना रहे, बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बस यही चाह है। लास्ट जो है वो वानी विन हुई थी जी। और इस वक्त आपकी फेवरेट कौन है और आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कौन विन होगा? मेरे हिसाब से सभी विनर्स हैं, मेरे हिसाब से सभी फेवरेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जजेस की मर्जी, जो उनको ठीक लगेगा वो ज़रूर फर्स्ट आएगा। इसके बाद इनका क्या फ्यूचर है, आप देखती हैं कि ये अगर यहाँ से विन होती हैं तो इनके और रास्ते जो हैं वो फ्यूचर के खुल जाते हैं? जी बिल्कुल, जैसे विनर ऑफ आईडी फैशन फेस्टा सीजन 2 गोज टू मिसेस यूए इंटरनेशनल सीजन 4, तो एक वैसे ही उनके लिए रास्ता खुल रहा है, उनको नेक्स्ट ईयर जूरी आने का मौका मिलता है। मिसेस यूए इंटरनेशनल के बाद वो और बड़े पेजेंट्स में जाते हैं, तो डोर बस खुलता ही है उनके लिए, तो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट। और न्यूज़ टाइम के लिए कुछ? बस न्यूज़ टाइम के लिए इतना ही बोलना था कि थैंक यू न्यूज़ टाइम, आप शुरू से हमारे साथ बंधे हुए हैं और आपने हमें खूब सारा सपोर्ट किया, ऐसे ही साथ रहिए, साथ निभाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए एंड एक साथ ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच अनूल, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ केवल जीत हैं, आज ये जो है वो इंडियन एक्सपर्ट दुबई ने जो ज़बरदस्त जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसमें ये विनर हुई हैं, आए इनसे बात करते हैं। सब तो पहले जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो वाकई मॉडल लग रही हैं मुझे, और
यहाँ पर जो चांस दिया जाता है, जो ये प्लेटफॉर्म होते हैं, ये दिया जाता है जो हाउसवाइफ होती हैं, जो जॉब कर रही होती हैं, जिनका शौक होता है, मिशंस विशंस और ड्रीम होते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन उनको चांस लाइफ में नहीं मिलता। तो कैसा ये प्लेटफॉर्म रहा आपके लिए? मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। आई थिंक खाली लेडीज़ जो घर पे हैं या काम करते हैं वो अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब मम्मी बन जाते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने सारे रोल्स को पीछे छोड़कर अपने लिए आगे आते हो। तो जैसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो इस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ सिखाया, थोड़े टाइम में बहुत कुछ सीखने मिल गया। और जहाँ पे रैंप वॉक की बात आती है, आई थिंक हर लेडी जो भी है अराउंड द वर्ल्ड कभी ना कभी ये डिज़ायर ज़रूर करती है कि वो रैंप पे चले, अपने आप को दुनिया को दिखाए, अपना टैलेंट दिखाए, अपनी ब्यूटी दिखाए। हर लेडी ब्यूटीफुल होती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत थैंकफुल हूँ कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे चुना, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज फर्दर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि कितने कैंडिडेट थे जो आपके साथ कंपटीशन में थे, ये ज़रा बताएं प्लीज़, लोगों को पता चले कि जी आप कितने कंपटीशन, कितना टफ कंपटीशन था और कितने कैंडिडेट थे। हम टोटल 19 कैंडिडेट्स थे, सभी बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कुछ मेरी तरह न्यू मॉम्स थी, आई एम अ वेरी न्यू मदर, मेरी बेटी पिछले हफ्ते एक साल की हुई है, सॉरी। कुछ वर्किंग लेडीज़ थी, एंटरप्रेन्योर्स, वी हैड समवन हु हैड रिटन अ बुक, किसी ने अपनी बुक अभी पब्लिश करी है, कोई टीचर है, कोई एचआर है। तो आई थिंक सबको मिलना, सबको जानना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए। हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, इट्स नॉट कि खाली मैं जीती हूँ तो मैंने ही अचीव किया है, बट सब ने बहुत कुछ सीखा है। आज फील आ रही है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स? आई थिंक धीरे धीरे आ जाएगी, वर्किंग टूवर्ड्स इट। आगे क्या देखती हैं इससे, कुछ फ्यूचर में कुछ और कुछ करने का मूड है? ये प्लेटफॉर्म ने मुझे इतना एक्सपोजर दिया है जो मैं एक सही तरीके से यूज़ करना चाहती हूँ, स्पेशली लेडीज़ के लिए जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए। प्लस मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, सो हाँ, स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो लड़कियाँ होती हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने आप को शोकेस करने का या फ्यूचर में क्या प्लान है। तो आई थिंक मैं उन लोगों के लिए एक आइडल बनना चाहती हूँ, एक सही डायरेक्शन में उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, और दैट इज़ माय मोटिव टू बी ऑनेस्ट, जस्ट टू बी एन एग्जांपल। ज़बरदस्त है जी, न्यूज़ टाइम के लिए कुछ प्लीज़ कह दीजिए। बेस्ट चैनल है, बेस्ट होस्ट है एंड बेस्ट अपडेट, सो गाइज प्लीज़ वॉच न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ शो मी हैं और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत और स्टेबल जो है वो मॉडल भी हैं। आज इंडियन एक्सपर्ट्स में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और देखते हैं कि आज कौन जीतता है इस कंपटीशन में, और आज इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाय, हाउ आर यू? या आई एम डूइंग रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 विनर, एंड हियर आई एम एज अ ज्यूरी। So, देखते हैं कौन जीतता है इस बार। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आप समझती हैं कि आपके कंपटीटर जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या आप बिलीव टू गॉड है, बिलीव टू भगवान है? डेफिनेटली मैं आई बिलीव इन गॉड, एंड मुझे लगता है यू जस्ट नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस एंड अ स्माइल, एंड वही आपको लेके जाएगा टिल दिस क्राउन। आप एज ए प्रोफेशनल क्या करती हैं, ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आप मॉडल ही हैं या इससे पहले कुछ आपकी जर्नी है? श्योर, या आई एम अ मॉडल एंड मैं पर्सनल स्टाइलिस्ट हूँ, मैं वार्डरोब कंसल्टिंग भी करती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रूमिंग राइट नाउ। सो मैं ग्रूमिंग भी करती हूँ सबका, टू बी द क्वीन ऑफ योर लाइफ, टू विन द पेजेंट, हाउ कैन यू विन द पेजेंट, हाउ कैन यू बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ, सो मैं ये सब भी करती हूँ, मोर ऑर लेस लाइक अ सेल्फ डेवलपमेंट कोच। ओहो, आप तो फिर इसका मतलब कोई ज़बरदस्त किस्म की वो स्पीकर भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज माशाल्लाह आप को ज्यूरी में उन्होंने शामिल किया और आज बैठेंगी, आज आपने न्यू टैलेंट देखना है जो लोग आगे, उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो किस तरह से आप जज करेंगी, क्या उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर को करेंगी, उसके कपड़ों को करेंगी, उसके किस चीज़ पर आप करेंगी या क्वेश्चन पे करेंगी, आप बताएं ज़रा, मॉडल के लिए क्या बेहतर होती चीज़ जो वाकई वो मॉडल डिक्लेयर होती है? ट्रू, यू नो व्हाट, आई बिलीव दैट ब्यूटी पेजेंट इज़ नॉट ओनली
अबाउट ब्यूटी बट मुझे लगता है वी सी द कॉन्फिडेंस इन यू बिकॉज ब्यूटी पेजेंट्स आर मोर ऑर लेस अबाउट सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड राइट सो व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड हम लोग देखते हैं हाउ कॉन्फिडेंट यू आर जो स्माइल रखते हो आप एंड हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड विद योर क्वेश्चन आंसर राउंड सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है तो अगर वो सब है इट्स नॉट ओनली अबाउट आप दिखते कैसे हो वो तो चाहिए डेफिनेटली योर बॉडी स्ट्रक्चर इट्स ओके बट यू नो वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट योर कॉन्फिडेंस सो आई बिलीव इफ एनीवन हु हैज दैट कैन विन दिस पेजेंट लेकिन मॉडल्स के लिए आप समझती हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग वो तो एक्स्ट्रा टॉपिंग में चला जाता है कि ये एक एक्स्ट्रा उसके पास चीज़ है लेकिन जो लुक वाइज होती है जो बॉडी शेप्स होती हैं उसके हवाले से आप क्या समझती हैं कि वो ज़्यादा बेहतर होता है या कॉन्फिडेंस बेहतर होता है यू नो आई बिलीव यू नीड टू बी हेल्दी ऐसा नहीं है कि बॉडी कोई भी शेप का हो बिकॉज नाउ आवर डेज ब्यूटी पेजेंट का कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया पहले हम लोग सोचते थे कि ब्यूटी पेजेंट ऐसा है कि परफेक्ट बॉडी हो दिखने में अच्छे हो एंड इट्स लाइक दैट बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी नाउ 2022 में अभी हम लोग देखें बट आई फील लाइक ब्यूटी पेजेंट्स आर नॉट ओनली अबाउट ब्यूटीज बिकॉज अगर आप देखेंगे मिस यूनिवर्स मिस इंडिया जो जो बड़ा बड़ा सब कॉन्टेस्ट है इट्स अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कितना इंटेलिजेंट हो सो इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यू इस ब्यूटी पेजेंट में यू नीड ब्यूटी विथ ब्रेन्स एंड गोल्डन हार्ट एंड दैट्स इट तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ यस व्हाई नॉट आप भी ट्राई कीजिए इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ व्हाई डोंट यस डेफिनेटली इंशाल्लाह जी थैंक यू सो मच शोमी आपका नाम बड़ा खूबसूरत है न्यूज़ टाइम के लिए कुछ कह दीजिए प्लीज सब दर्शकों के लिए न्यूज़ टाइम के मेरे तरफ से बेस्ट विशेस एंड बहुत खूबसूरत रहिए बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट थैंक यू सो मच थैंक यू मेरे साथ वानी है जो है वो प्रोफेशनल के हिसाब से मॉडल है एक्ट्रेस है और इंडियन एक्सपर्ट जो है दुबई में बड़ा जबरदस्त जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं आज भी फैशन फेस्टिवल इवेंट हो रहा है आज इनसे बात करते हैं ये फर्स्ट सीजन की विनर भी है तो आज इनसे बात करते हैं कि आज ये आई हैं और दोबारा से ज्यूरी में बैठेंगी तो कैसा लग रहा है जी वानी सबसे पहले सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम शेम और सब बढ़िया सब ठीक है अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले तो इंडियन एक्सपर्ट्स के बारे में बताएं कि इन्होंने वुमेन्स को बहुत प्रमोट किया है तो क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले अनुज मुंद्रा के बारे में रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो उसके लिए मतलब अनुल मुंद्रा जो है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं तो उसके लिए मुझे लगता है दैट शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और आप समझती हैं कि ये बेहतर जो है प्लेटफॉर्म है उन लड़कियों के लिए उन जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल होती है पोटेंशियल होती है और दुनिया को दिखाना चाहती है कि जो उनके अंदर स्किल है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आप समझती हैं ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मतलब आप मुझे ही देख लीजिए मैं मतलब जब से मैं लास्ट सीजन की विनर हूँ उसके बाद से मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मतलब मेरे को इससे भी बड़े पेजेंट्स में जाने का मौका मिला है बहुत सारे फ़ोटोशूट्स करने का मौका मिला है शॉर्ट फिल्म्स करने का मौका मिला है तो आपको इतने सब लोग जानने लग जाते हैं इसके बाद से कि आपको फिर उसके बाद जितना आप काम कर सकते हैं उतना आपको मिलता रहता है जब आपने पहली दफ़ा इस पर पार्टिसिपेट किया था तो आपको इसका जो सिनेरियो था इसका जो इन्वायरमेंट था कैसा लगा था आप समझ रही थी कि मैं अब तो ऐश्वर्या राय बनूंगी और मैं वहाँ तक पहुँचूँगी तो क्या एंबिशंस था क्या ड्रीम था ड्रीम उस वक्त पे सिर्फ यही था कि मैं इसमें अभी मैं ये स्टार्ट किया है तो उस वक्त पे मोटिव ये था कि अपने आप को ग्रूम करना है बहुत कुछ सीखना है बट उसके बाद जब आप एक बार जीत जाते हो तो फिर आप थोड़ा वो कंपटीशन आ जाता है फिर आपको उससे ज़्यादा कुछ करने का मन करता है तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे सब मिला उससे ज़्यादा ही मिला इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इस इवेंट के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई क्या आपके फ्यूचर में चेंजिंग आई वो जो लड़कियां जो आज पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनके आज एंबिशंस हैं ड्रीम है सोच है कि हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कहना चाहती हैं मुझे लग रहा है इसके बाद से जो भी कोई विनर होगा उसकी लाइफ तो डेफिनेटली चेंज होगी बाकी जो बाकी नहीं भी विनर्स हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं वो वैसे ही विनर्स हैं अपने लिए तो उनकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे पहली बात ये कि वो इतने ज़्यादा अभी तक ग्रूम हो चुके होंगे बिकॉज मुझे मालूम है कि ट्रेनिंग कितनी होती है इसके लिए तो वो उनकी ग्रूमिंग फिजिकली ग्रूमिंग मेंटल पीस वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि इस इवेंट के बाद आई थिंक दे विल बी लाइक अ डिफरेंट न्यू पर्सन
वन दैट, सेकेंड उनको इतना अगर किसी को फोटोशूट्स में या फिर एक्टिंग में कुछ भी इंटरेस्ट है तो बहुत सारे रिसोर्सेज खुल जाएंगे उनके लिए, उनको पता चलने लग जाएगा कि मेरे को किसके साथ कॉन्टैक्ट करना है, कुछ क्या काम करने के लिए। तब भी पहला इंटरव्यू न्यूज़ टाइम ने किया था, आज क्या कहना चाहती हैं? बहुत सारी पुरानी यादें मुझे दोबारा से रिफ्रेश हो गई हैं, आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट टू अनुल एंड इंडियन एक्सपैट्स इन दुबई का पूरा टीम, लाइक मतलब मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि ये ऑलरेडी एक लेवल ऊपर जा चुका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इट्स लाइक मोस्टली अराउंड 7 PM एट दुबई टाइम। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु इनवाइटेड मी टुडे इन इंडियन फैशन शो दुबई क्वीन। So it's an honor for me and a pleasure to be part of a jury member. So first, let me introduce myself. My name is Engineer Meta Lablushi. So I think engineer, it's been like I have a bachelor degree in electronics engineer. At the same time, I do have a diploma background in hospitality. I found a passion to be as a public speaker also and hosting some kind of events. It's really inspired me when I see people eye contact and smile and their smile on the stage. It makes me feel so energetic. I'm also an ambassador in Emirates Club as well as part of Next Generation member, which one of the beautiful lady from Spain and she's handling it. I'm also part of the ambassador of G100. So maybe I can see like I'm all around the world. Actually, as a local, my passion and my inspiring thing from my leaders is just not to work or to have a footprint in my society as well as globally. So today, as a part of jury member, I'm really honored and proud of to give my best for today. And I would like to say it will be a really an amazing night for today. And if you guys miss it, I don't think that anything else do I need to say, but if you are here today, then you're gonna enjoy it. Thank you. Thank you.